नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हर तरफ सरगर्मी देखने को मिल रही है। बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। उधर जो महागठबंधन के लोग हैं वो भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। किसके दावे में कितना दम ये तो जनता बताएगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार सक्रिय हैं। कई राज्यों का वो दौरा कर चुके हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आज श्रीनगर भी पहुंचे थे। ना सिर्फ धारा 370 को लेकर अपनी बात उन्होंने वहां पर रखी, बल्कि वहां पर जो अभी माहौल है, जिस तरह के हालात हैं, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है और परिवारवाद को लेकर गठबंधन के लोगों पर हमला भी किया। इन सब के बीच जनता का क्या मूड है, ये हमने परखने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल में एबीपी न्यूज की टीम पहुंची और हमने वहां लोगों से बातचीत की, ये समझने के लिए कि जनता क्या सोचती है। आपको पता है पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और संदेश खाली का जो मुद्दा है अभी उफान पर है। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, किंग्स में बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस, কর্কশ কর্কট এমন কর্কটে মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ 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 আমার খেলা হবে নারী কো সম্মান দেনা চাইয়ে কত নারীকে আপনারা সম্মান দেন গর্জন করতে হবে বিজেপির বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক তুফান তুলতে হবে, তখন ওটা শুধু পেন হবে আর গেন হবে আমাদের, এটা মাথায় রাখবেন, মানুষের গেন হবে। संदेश खाली के नाम पर महिलाओं के सम्मान को लेकर छिड़े बंगाली मार का सियासी कोहराम का ये नया प्रमाण। जय बांग्ला। टीएमसी और बीजेपी के बीच के टकराव का ये नया विस्तार है। एक और संदेश खाली में एंट्री को लेकर बीजेपी के नेताओं की फौज आक्रोशित है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का साक्ष्य देते हुए बीजेपी पर प्रचंड प्रहार कर रही। पिंटू बाबू को गुस्सा क्यों आता है? बंगाल में 454 टीम भेजा और मणिपुर में हमारा इतना बैन जल गया, इतना नेकेडली पैरेट किया, कितना टीम भेजा आपने? कोलकाता में जहां खड़ी होकर दीदी दहाड़ रही थी, वहां से चंद फरलांग की दूरी पर एबीपी न्यूज की टीम लोगों का सियासी मिजाज टटोलने पहुंची थी। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। क्या आने वाले चुनाव में संदेश खाली कांड की पीड़िताओं के आंखों से निकले आंसू के वो तमाम कतरे क्या ममता बनर्जी के लिए समंदर का सैलाब घोषित होंगे? आज इसी को जानने और समझने के लिए चलेंगे कलकत्ता की सड़कों पे, गलियों में, पटरियों पे और जानेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिर क्या है उनका सियासी मिजाज। ममता बनर्जी की दहाड़ से सिर्फ 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी संदेश खाली की देहरी पर खड़े होकर हुंकार भरकर लौटे थे। महिलाओं के साथ क्रूरता का आरोप लगाकर दीदी के सियासी दुर्ग में सेंधमारी की कोशिश की थी। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में जब ममता बनर्जी संदेश खाली के जरिए बीजेपी पर साजिश और अफवाह फैलाने का आरोप लगा रही हैं, तब लोगों के मन की बात जानने के लिए श्रीनिवास पहुंचे पार्क स्ट्रीट इलाके। मोदी जी का तो शासन बहुत बढ़िया दिख रहा है। आज अगर मोदी जी ना होता तो आज कोई सनातन धर्म ऐसा जो धीरे धीरे सनातन धर्म का जो खत्म हो रहा है वो सनातन धर्म आज उठता नहीं। आज तो हिंदुस्तान मोदी का ही हिसाब से हिंदुस्तान तरक्की में जा रहा है। तो आपके लिए सनातन धर्म मुद्दा है? सनातन धर्म मुद्दा है,
100% है, सनातन धर्म मुद्दा है, प्लस उसके बाद ये जो टोलाबाजी सरकार जो चल रही है बंद किया जाए। आजमगढ़ से यहाँ भी बुलडोजर चलवाएंगे क्या? जरूर, अरे सबका साथ सबका विकास, अगर सबका साथ रहेगा तो जरूर बुलडोजर चलेगा। सबका साथ सबका विकास और दीदी पे विश्वास, क्या चीज? एकदम नहीं, मोदी पे विश्वास। 200% दिक्कत है बंगाल में, परेशान है बेचारा गरीब आदमी, परेशान है गरीब आदमी, परेशान है। क्या करेंगे? मोदी जी को लाना है, सब समर्थन निकलेगा, मोदी जी आएंगे तो। दीदी चोल पे ना दादा, आप कह रहे हैं दादा चोल पे, क्या चीज? 100% दादा चलेगा, पूरा इंडिया में चलेगा। कह रहे हैं कि महिला अत्याचार और क्या क्या, यहाँ तो माँ माटी मानुष की सरकार है। संदेश खाली पे आप देखिए कि माँ बहन के साथ में कैसा दुरुपयोग कर रहा था। कोलकाता के सबसे पॉश एरिया में एक है पार्क स्ट्रीट, जो कोलकाता दक्षिण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जो ममता बनर्जी का गढ़ है, जहां 6 बार ममता बनर्जी सांसद रही, जहां उनके बाद भी तृणमूल कांग्रेस का कब्जा कायम है। वहां की गलियों में घूमते हुए श्रीनिवास पहुंच गए एक चाय की दुकान पर। अभी मोदी जी आए दो दो बार, कह रहे थे बंगाल में माँ की हालत ठीक नहीं है। माँ की हालत ठीक तो नहीं है, कैसी ठीक होगा? जब तक ऐसा रानी रहेगा तो ठीक तो रहेगा नहीं। तो आपको लग रहा है ये मुद्दा बनेगा क्या चुनाव में नारी समाज? एकदम बनेगा। कंपैरेटिवली वेस्ट बंगाल में औरतें सुरक्षित हैं, मैं बाकी स्टेट से अगर कंपेयर करूंगी तो कंपैरेटिवली, अगर आप दिल्ली से कंपेयर करो। आने वाले चुनाव में जो अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ये मुद्दा बन जाएगा क्या? बन जाएगा, बन नहीं रहा है। आपके लिए भी होगा ये एक मुद्दा? मेरे लिए तो डेवलपमेंट मुद्दा है। डेवलपमेंट पे वोट देंगी, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे वोट देंगी या नारी सम्मान का मुद्दा होगा? डेवलपमेंट के ऊपर। इस चाय दुकान से जैसे ही आगे बढ़े, सड़क के किनारे कुछ और लोग मिल गए। सवाल वही था, बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर। दास जी ये बताइए, क्या चल रहा है कलकत्ता, ठीक ठाक? वैसे तो अपने लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर अपना सुरक्षा और इकोनॉमी के हिसाब से बहुत पीछे है। जिम्मेवार यहाँ की सरकार है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है। दीदी अच्छा है, बाकी सब चोर है। दीदी हम लोग कैसा? दीदी जब तक दीदी है तब तक ठीक है, जब दिन दीदी नहीं रहेगा तृणमूल पति उठ जाएगा। यहाँ माँ माटी मानुष की सरकार में माताएं सुरक्षित नहीं है, ऐसा आपको भी लग रहा है क्या? बिल्कुल, अभी देखिए सामने में संदेश खाली, आप जीता जाता सबूत है, कुछ दिन पहले की बात है। मानते हैं हर जगह पुलिस सुरक्षा नहीं दे पाती है, हर जगह पहुंच नहीं पाती, मगर जब रेप कांड होता है तो उसको बता दिया जाता है कि वो साजनो घटना, सजा हुआ सजा के उसको घटना को किया गया है। ये कोई तरीका है किसी माँ बहन का इज्जत के साथ खेलना? दीदी जब तक है जुग जुग जियो। दीदी का सासु साथी काट कर दिया, कोन्ना सी किया, अच्छा अच्छा चीज किया, मोदी का किया। देखिए भैया आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य साथी में मुकाबला, यहाँ तो इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही है क्योंकि उसको डर है, क्योंकि आयुष्मान भारत में 10 लाख का इंश्योरेंस पूरा मिलता है, ये नहीं काट के दिया जाता है। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में लोगों का सियासी मूड समझने के बाद एबीपी न्यूज की टीम मोदी और दीदी में बटी राजनीति को जानने के लिए पहुंची सियालदह। हंगामा क्यों है महिला सम्मान के नाम पे? प्रधानमंत्री आए, उन्होंने एक सभा की, उस सभा पूरी सभा को ही महिला सम्मान को समर्पित किया। प्रधानमंत्री को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई कार्यक्रम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से नहीं करके उनको सीरियसली किसी के भलाई के लिए काम करना चाहिए, कोई लड़की के भलाई के लिए। वो तो ऐसे आरोप लगाते ही रहते हैं दीदी के ऊपर, तो ऐसा हम लोग तो दीदी के लेकर बहुत खुश हैं। पर बंगाल में तो 2 साल बाद आए इलेक्शन के पर्पस में, अभी एमपी इलेक्शन है वो आ गए, तो उनको अगर महिलाओं का चिंता इतना ही है तो वो कोई काम करे ना महिलाओं के लिए। हम लोग का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि देखिए हम लोग का नारी सम्मान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। हमारे दीदी देखिए जहाँ गलत देखती है वहाँ पे आवाज उठाती है, ये तो हम लोग भी महिला के भी, हमारे साथ भी कहीं गलत होगा तो हम भी आवाज उठाएंगे, है ना? तो ऐसा कुछ बोल के नहीं है कि वो गलत। संदेश खाली में मानती है कुछ हुआ है, ये तो वहाँ के लोग बता सकेंगे ना। हम लोग अपने यहाँ पे बहुत सेफ है, हम लोग दीदी के मुद्दे दीदी के राज में हम लोग बहुत सेफ है, ये हम जानते हैं। तो आप कह रही है कि नारी सम्मान की जो बात की जा रही है बंगाल में है? एकदम नारी सम्मान तो है ही है, हमारी दीदी नारी है तो एक नारी एक लेडीज का सम्मान क्यों नहीं करेगी भाई? सिर्फ एडवर्टाइजिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे एडवर्टाइजिंग ना करे। वो लोग को ब्रिजभूषण सिंह सरन सिंह उनके तो एमपी ने बलात्कार के आरोप पे वो लोग आरोप लगाए, लेकिन कोई उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, मोदी जी नहीं बोलते। मोदी जी को अगर महिलाओं के लिए इतना ही चिंता है तो इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते वो? बंगाल में ऊपर क्यों नहीं बात करते वो? जैसे दीदी कर रही है, हम लोग लक्ष्मी भंडार दी है,
अभी 500 रुपए था लक्की भंडार में, अभी 1000 रुपए हो गया। जो केंद्रीय सरकार को देना था वो दीदी दे दी। मीता जी ये बताइए, जब आप वोट करने जाएंगी तो आपके लिए मुद्दा क्या होगा? नारी सम्मान, जो संदेश खाली की बात हो रही, ये भी एक मुद्दा होगा? नहीं, संदेश खाली एक जगह को लेके तो पूरा वेस्ट बंगाल नहीं है ना, पूरा पश्चिम बंगाल नहीं है ना। क्या है आपके लिए मुद्दा? हम लोग के लिए मुद्दा है दीदी का, जो इतना लक्की भंडार ले ले, लड़की लोग को लिए पढ़ाई के लिए इतना सारा 20-40 तो जो प्रकल्प दीदी ने बनाया है। आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा हम लोगों के लिए क्या मुद्दा होगा? हम लोगों को देखिए, हम लोगों का ऐसा तो होता ही रहता है, लेकिन हम लोग जब खुश है, हम लोग जब ठीक है, हम लोगों को जब बेनिफिट मिल रहा है, तो हम लोग क्यों बोलेंगे कि हम लोगों को ये पसंद नहीं, ये तृणमूल पसंद नहीं? हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए तो फायदा ही हुआ है। राम मंदिर का मुद्दा इतना उठ गया, अभी राम मंदिर तो हर जगह में, हम लोग के कलकत्ता में भी बहुत राम मंदिर है, वो इतना दिन बाद वो राम मंदिर ले आए, आपने राम मंदिर पर वोट हो रहा है। अरे हम लोग के यहाँ राम मंदिर भी है, लक्ष्मी मंदिर भी है, काली मंदिर भी है, दुर्गा मंदिर भी है, हम लोग को ना सिखाए वो। ये बताइए, वोट के नाम पे भीख ना मांगे, राम के नाम पे भीख ना मांगे। अरे तो वोट मांगनी तो दीदी भी आएंगी, तो क्या उसे भी कहेंगे कि भीख मांगने आएंगे? वो तो राम मंदिर के नाम पे नहीं वोट मांगती, वो काम के नाम पे वोट मांगती है। अच्छा, काम के नाम पे, तो मुद्दा काम होगा? हाँ, काम, काम पक्का एकदम। ये खाएंगे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? लक्की भंडार से क्या होगा, रोजगार दो? नहीं नहीं, रोजगार तो हो रहा है, अभी देखिए आशा कर्मी है जो बहुत तो सरकारी फंड से पैसे बढ़ा दिए 750 रूपए। नहीं नहीं, ये दीदी का परिकल्पना जो है ये तो बहुत अच्छा है ना। तो ये काम तो सबको ही करते हैं, देखिए मध्य प्रदेश में लाडली बहना मिलता है, दिल्ली में केजरीवाल जी ने ये घोषणा कर दी कि हम भी 1000 रूपए देंगे, तो ये क्या लगता है आपको कि ये सोल्यूशन है या रोजगार मिलना चाहिए और कुछ होना? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, रोजगार विकास मुद्दा होगा चुनाव में? देखिए रोजगार तो हर जगह साधारण आदमी जो होते हैं उनको तो चाहिए, नौकरी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन अभी जो हम लोग हैं बहुत कुछ हम लोग का जो दीदी दे रहे हैं उनमें हम लोग खुश हैं। ये भी जान लीजिए कि महिलाओं से अपराध के मामले में पश्चिम बंगाल देश में चौथे नंबर पर है। साल 2002 में 34,738 घटनाएं हुई थी, इनमें से रेप की घटनाएं 1112 थी, जबकि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमले के केस 2564 दर्ज किए गए थे। बावजूद इसके संदेश खाली के मामले में सुरेंद्रनाथ कॉलेज फॉर वुमेन के बाहर खड़ी महिलाओं को लग रहा है कि सब तोहमत। ये जो बार बार बात की जा रही है महिला सम्मान की, लगातार कि भैया दीदी की सरकार में महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। दीदी दादा में बोलने के नहीं है, हम लोग तो दीदी को ही पहचानते हैं। हम सम्मान से जी रहे हैं, आजादी से जी रहे हैं, हमें इस चीज में तो गर्व है कि हम कोलकाता में रहते हैं, इतनी आजादी से रहते हैं। अभी लगातार बंगाल में बात हो रही है महिला सम्मान की, कि महिला सम्मान यहाँ नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं। बोलने वाले तो 1000 बोलेंगे, है तो हम लोग ना, हम लोग को पता है, हम लोग सेफ फील करते हैं उन लोग के अंडर में। तो वोट करने के लिए क्या सोचा, क्यों वोट करूंगी, किस मुद्दे पे वोट करूंगी, कुछ सोचा आपने? हाँ सोचे तो है, बहुत देख भी रहे, अभी सोचे है। क्या मुद्दा क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सम्मान? हाँ ये सब है, अब ये सब देख कर ही वोट करेंगे उस आगे। मोदी जी तो कह रहे हैं पूरा देश ही मेरा परिवार है, आप भी उनके परिवार हैं? नहीं, हम उनका परिवार नहीं है। बात कर रहे, वो कह रहे हैं पूरा देश मेरा परिवार। नहीं नहीं नहीं, हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं, दीदी हमारा दीदी है, हम दीदी का परिवार है। लेकिन बीजेपी के समर्थकों को ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। ये वजह है कि संदेश खाली के नाम पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हम लोग किस राज्य में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग किस राज्य में रह रहे हैं? ये क्या बांग्लादेश पाकिस्तान हो गया है कि हम लोग अपने ही राज्य में किसी महिला पे अत्याचार होगा, उनके पास जाके हम लोग खड़े नहीं हो सकते, उनके सम्मान में, उनके दुख में, उनके दर्द में? जाहिर है संदेश खाली कांड को बीजेपी जज्बातों की आंच पर चुनाव तक उबालने में जुटी है, ताकि वोटिंग के वक्त उसका सियासी तौर पर फायदा मिले, दीदी के अभेद किले में सेंधमारी हो सके। हालांकि बीजेपी को इसका राजनीतिक फायदा कितना मिलेगा ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मोदी फैक्टर में ये खास रिपोर्ट आपने देखी, हम फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज़।